साथियों आज चर्चा करते हैं मंत्रयोग का सिद्धांत एवं प्रयोग। मंत्रयोग का अर्थ क्या अर्थ है, उसकी परिभाषाएं और सिद्धांत के बारे में। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, इन वैज्ञानिक सिद्धांत जो कार्य कैसे करता है, कार्य करने की जो उसकी जो तकनीक है, उन तकनीकों के बारे में हम लोग विस्तार से इसमें दृष्टि डालेंगे। तो आइए कुछ इसमें सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं मंत्र योग अर्थ एवं स्वरूप के बारे में। मंत्र योग दो शब्द से मिलकर बना है, मंत्र प्लस योग। योग के बारे में पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं, योग आत्मसत्ता से परमात्म सत्ता का मिलन है। और मंत्र, मंत्र एक श्रेष्ठ विचार है जो मनन किया जाता है, अर्थात कहा गया है कि मननात त्रायते इति मंत्रः। मनन करने से, जिनके बार बार चिंतन करने से जो आत्मसत्ता को परमात्म सत्ता पे मिला दे, उसे मंत्र कहा गया है। मनन करने से जो कल्याण करे, कल्याण करे वही मंत्र है, त्राण कर दे उसे मंत्र कहा गया है। मंत्र का अन्य अर्थ भी है, इसमें मंत्री कहा गया है। मंत्री कौन, जो राजा का जो मंत्री होता है, मंत्री इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राजा को मंत्रणा विचार देता है, श्रेष्ठ विचार उन्हें संप्रेषित करता है। गुप्त भाषण के रूप में मंत्र को प्रयुक्त किया गया है और रहस्य के अर्थ में भी मंत्र को प्रयोग किया, क्योंकि जीवन के रहस्यों का अनावरण करता है मंत्र। इसलिए मंत्र महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, जितने भी श्रेष्ठ विचार हो सकता है वो मंत्र है। ऋषियों ने मंत्र जीवन में साधना के अंतिम निष्कर्ष के रूप में मंत्र को हमारे सामने संप्रेषित किया है। मंत्र किसी अक्षरों का मिला जुला स्वरूप नहीं है, मंत्र जो है आध्यात्मिक साधना का सार होता है। तो मंत्र का जो अर्थ है वे विभिन्न अर्थों में विभिन्न रूपों में होता है। मंत्र को एक विचार के रूप में माना जाता है, जितने भी श्रेष्ठ विचार है वो एक मंत्र है, क्योंकि वो जीवन को बदलता है। कब किस रूप में व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, वो बदलने वाली प्रक्रिया वे मंत्र है। मंत्र को विज्ञान कहा गया है। विज्ञान अर्थात तर्क, तत्व, प्रमाण और परीक्षण, ये चार अंग इसके पास है। इसे विज्ञान के कसौटी पे कसा जा सकता है और उसे निखारा जा सकता है। और आज विज्ञान की यही कसौटी में मंत्र को कसकर समाज के सामने रखना, प्रत्यक्ष करना, ये हमारे आप हम सबका एक उत्तरदायित्व बन रहा है। मंत्र वातावरण से दिव्य अनुदान खींचने वाला एक दिव्य शक्ति है, एक ऐसा मैग्नेटिक पावर है जो एनवायरमेंट से एक दिव्य अनुदान शक्ति पावर या एक सजातीय पावर को, जैसे कि गायत्री मंत्र में है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यधीमहि, उस प्राण स्वरूप दिव्य शक्ति को हम आत्मसात करते हैं और हमारे विचारों, हमारी भावनाओं क्या करता है, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। मंत्र प्राणों का त्राण करने वाला दिव्य शास्त्र है, ये प्राण का त्राण कर देता है, प्राणों का कल्याण करने वाला है। मंत्र मानव को महामानव बनाने वाला शस्त्र है, एक ऐसा शस्त्र है जो मन सामान्य मनुष्य को क्या है, श्रेष्ठ मनुष्य बनाने में, महामानव बनाने में क्या है, कारगर सिद्ध होता है। तंत्र मंत्र का ही विस्तार है, कहा गया है तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये तीनों एक सीक्वेंस है, एक क्रम है, इसे तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। तंत्र का अर्थ ही विस्तार है, क्योंकि विस्तार ये मंत्र का है, चिंतन का है, विचारों का है। तो इस तरह से मंत्र के विभिन्न गुणात्मक अर्थक रूप में देखा जा सकता है। वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार उन्होंने कहा है कि जिसमें मानसिक एकाग्रता एवं निष्ठा का समुचित समावेश हो, परिष्कृत व्यक्तित्व की परिमार्जित वाणी से जिसकी साधना की जाए, जिसकी रहस्यमय क्षमता पर महज श्रद्धा हो, तथा जिसका अनावश्यक विज्ञापन न करके गोपनीय रखा जाए, उसे मंत्र कहा गया है। मंत्र को जो गुरु द्वारा प्रदत्त होता है वे मंत्र श्रेष्ठ माना गया है, और जिसका किसी प्रकार का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्र अपने आप में सिद्ध होता है। मंत्र जपान मनोन लयः मंत्र योगः, मंत्र जपान मनोन लयो मंत्र योगः, अर्थात अभिष्ट मंत्र का जप करते करते जब मन इष्ट देव के ध्यान चिंतन में तन्मय होकर लय भाव को प्राप्त हो जाए, उसे मंत्र योग कहा गया है।
इससे पूर्व हमने मंत्र के बारे में चर्चा किया था, मंत्र योग कब होगा इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मननात तारियेत यस्तु सह मंत्र परिकीर्तिता, जिस इष्ट देव के मंत्र का जप करते हुए मन से उसका स्मरण चिंतन तथा ध्यान किया जाए और वह दर्शन देकर हमें भवसागर से पार कर दे, वही मंत्र योग है। मंत्र योग, मंत्र तो चिंतन है लेकिन जब परमात्मा से हमारा योग हो जाए तब उसे मंत्र योग कहा गया है। तो मंत्र योग, सौभाग्य भास्कर कार ने मंत्र योग के बारे में कहा है, पूर्ण हंतानुसंधानस्य स्फुरन जन मनन धर्मता संसार क्षय कृत प्राण धर्मतो मंत्र उच्चते। जिसका जप अथवा चिंतन करने से अपनी अहंता के साथ अनुसंधान हो, पूर्ण हंतानुसंधानस्य, अपनी अहम का, मैं तो मैं दो प्रकार से हो सकता है, वो अहंकार वाला मैं भी है और मैं वो भी हो, अहम ब्रह्मास्मि। स्वयं का अनुसंधान हो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, अपने अंतर मन पर उसका प्रभाव हो, उसके द्वारा आत्मा में स्फुरन होने लगे, आत्मा की शक्ति, आत्मशक्ति जगने लग जाए, संसार क्षय कृत। और जिसका अंतिम परिणाम के बारे में कहा गया है, संसार का क्षय, संसार मतलब जो नष्ट होने वाला जो जगत है उसके प्रति हमारी जो लगाव है वो हमसे दूर होता चला जाए, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, मुक्ति मिल जाए, उसे ही मंत्र कहा गया है। पिंगलाया तंत्र, तंत्र शास्त्र के महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें कहा गया है, मननात विश्व विज्ञानम त्राणम संसार बंधनम यत करोति संसिद्धिम मंत्र इत्युच्यते तथा। जिसके मनन करने से, मननात विश्व विज्ञानम, जिसके मनन करने मात्र से समूची सृष्टि एवं संपूर्ण अस्तित्व का ज्ञान हो। मित्र साथियों, ये महत्वपूर्ण है, संसार का तो ज्ञान हो लेकिन अपने अस्तित्व के भी ज्ञान हो जाता है। कहा यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, पिंड के साथ ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है, और त्राण, त्राणम संसार बंधनम, संसार के बंधनों से मुक्ति हो, यत करोति संसिद्धिम, इन दोनों कार्य को उत्तम प्रकार से सिद्ध करने के कारण ही उसे मंत्र इत्युच्यते तथा, इसी कारण उसे मंत्र कहा गया है। तो मंत्र जो है, ये मंत्रों की व्याख्या जो हमने किया है, अब देखते हैं कि मंत्र के जो स्रोत है ये मुख्य दो स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। पहला हमारा आर्ष साहित्य है, आर्ष मतलब वेद, उपनिषद, जितने भी हमारे प्राचीन संस्कृत साहित्य है, ये सारे के सारे इसकी स्रोत के रूप में है, जहां से हमें मंत्र का ज्ञान मिलता है। दूसरा है ऋषि एवं आचार्य, ऋषियों द्वारा जो रचित ग्रंथ है वे आर्ष ग्रंथ है, और ऋषि वे है जो जीवन में रिसर्च करता है, जीवन को उसमें अनुसंधान में अपने आप को लगाता है, कसौटी में कसता है, वे हमारे ऋषि है। तो मित्रों, ऋषि जो है मंत्र का दृष्टा है, कहा गया है ऋषियों मंत्र दृष्टारा। अब इसके बाद मंत्रों का यदि वर्गीकरण किया जाए, मंत्र का अर्थ परिभाषा हमने देख लिया, अब उसका वर्गीकरण कैसे किया जाए, मित्रों इसके लिए हमें बहुत कुछ शोध अनुसंधान करना पड़ा। आइए देखते हैं इसका वर्गीकरण अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से इसके प्रकारों का वर्णन किया है, क्योंकि हमने आपके सामने प्रत्येक प्रकार के जो शास्त्रों में अलग अलग वेदों में उपनिषदों में अलग अलग प्रकार के मंत्रों, कहीं पे सात्विक दासिक, कहीं तांत्रिक लौकिक, और कहीं पे पिंड कर्तरी तंत्र शास्त्रों में दिया गया है, बट हम आपके सामने ये सारे के सारे का सिक्वेंस स्टेप बाय स्टेप रखते हैं कि शास्त्रों में कहां कहां किस प्रकार से बात कही गई है। सर्वप्रथम सात्विक, राजसिक और तामस, राजस और तामस जो गुण के आधार पे है, जिस मंत्र का अगर राष्ट्र कल्याण समाज कल्याण जिससे होता है वो सात्विक होता है, राजसिक वह है जो स्वार्थ के लिए अर्थात अपने राजसिक अपने सांसारिक प्रवृत्तियों की प्राप्ति के लिए सुख वैभव की प्राप्ति के लिए जो मंत्र उपयोग किया जाता है वो राजस है, और तामसिक वह है जिसमें जो जिसमें हम लोग ताड़न उच्चारण अलग प्रकार के जो लोग दूसरों के अहित के लिए प्रयोग किया जाता है वो तामस कह सकते हैं उसको। दूसरा है वैदिक, तांत्रिक और लौकिक, ये शास्त्रीय पद्धति है, वेदों में जो मंत्र वर्णित है वो वैदिक है, तंत्र शास्त्रों में जो वर्णित जो मंत्र जो वर्णन किया गया है उसको कहा गया है तांत्रिक,
और लौकिक जो संसारिक जगत जो जादू टोना या अन्य प्रकार के मारण उच्चाटन का प्रयोग किया जाता है वो लौकिक है, जो जादू टोने के रूप में प्रयोग होता है। नंबर तीसरा है लिंग भेदानुसार अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग मंत्र है। पुम मंत्र मतलब होता है पुरुष मंत्र, गणेश जी का मंत्र है, शिव जी का मंत्र है। दूसरा है स्त्री मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र है, सरस्वती मंत्र है, लक्ष्मी मंत्र है। ये अलग अलग मंत्र जो स्त्री वाचक जो दिया गया है तो ये स्त्री मंत्र। और नपुंसक मंत्र वो होता है जो ना स्त्री जाति के है और ना पुरुष मंत्र है, दोनों मंत्र से हटकर अलग से है, जो प्रकृति जन्य है जिसमें स्त्री और पुरुष का बोध ना होता हो, वो लिंग जो है उसे नपुंसक लिंग के रूप में स्वीकार, नपुंसक मंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। अक्षर संख्या अनुसार विशेषतर तंत्र शास्त्रों में इसकी विस्तार से व्याख्या किया गया है कि अक्षर पिंड, पिंड कहते हैं जिसमें एक अक्षर हो, एक अक्षर जो मंत्र होता है वो पिंड के रूप में है। कर्तरी उसमें और भी अलग है जिसमें दो अक्षर होते हैं, तो अक्षर जितना उसमें अलग अलग अक्षर है उस अक्षर के अकॉर्डिंग पिंड कर्तरी और अलग अलग उसके स्वरूप की व्याख्या हमारे शास्त्रों में किया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो दिया गया माला मंत्र है, जैसे गायत्री मंत्र है 24 अक्षर है वो माला मंत्र है। बीज मंत्र पता है आपको, हिन सिंह क्लिंग अलग अलग बीज मंत्र होते हैं, ये सारे बीज मंत्र है जो मंत्रों में शक्ति भरता है। नंबर पांचवा जो दिया गया है वो सिद्धि प्रदानुसार, जो सिद्धि प्रदान करता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मंत्र, जैसे सिद्ध मंत्र है, सिद्ध मंत्र कहा जाता है ये सिद्ध होता है, ये जिसको मिल जाता है वे मंत्र उसके जीवन के है वो सिद्धि ही प्रदान करता है। ये या तो गुरु द्वारा सिद्ध किया हुआ व्यक्ति को मिलता है या तो फिर जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के परिणाम स्वप्न के माध्यम से या देव योग से हमें प्राप्त होता है। साध्य वह है जिसे साधना के द्वारा प्राप्त किया जाए, जो जिसे जप किया जाए और जप करने से जो हमें लाभ मिल जाए, जो वो साध्य मंत्र है उसको सेवक मंत्र भी कहते हैं, जो जप होम करने से सिद्ध होता है। सुसिद्ध मंत्र दीक्षा मात्र ग्रहण करने से जो हमें ज्ञान करा देता है, जब गुरु से दीक्षा लेते हैं तो वो सिद्ध हो जाती है, इसे सुसिद्ध मंत्र कहा गया। और अंतिम है अरि, अरि मतलब होते हैं शत्रु मंत्र, ऐसा मंत्र है जिसको जप करने से व्यक्ति का अनिष्ट होना शुरू हो जाता है, उसे अरि मंत्र कहते हैं या शत्रु मंत्र कहते हैं। तो मित्रों हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा मंत्र हमारे सिद्ध है, साध्य है, सुसिद्ध है, ये गुरु गम्य होता है। इसीलिए मंत्र शास्त्र में गुरु की आवश्यकता होती है, तो गुरु से ही हमें ज्ञान मिलता है। इसलिए निवेदन है कि गुरु का शरण हमें लेना चाहिए, श्रेष्ठ गुरु हमें मिल जाए तो उसका शरण का उसका अनुगमन हमें करना चाहिए, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लाभप्रद होता है। इसके पश्चात मंत्र का विनियोग, मंत्र का विनियोग क्या होता है, विनियोग के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। वैसे विनियोग का अर्थ होता है कर्तव्य, किस मंत्र में किस शक्ति को किस आधार पर जगाया जाए इसका संकेत हर मंत्र के साथ जुड़े हुए विनियोग में बताया जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप कार्यों में शास्त्रीय रीति से सिद्ध मंत्रों की योजना करने का नाम विनियोग है। एक तरह से कहते हैं सिस्टेमेटिक विधि जो बनाई जाती है, मंत्र इससे मंत्र के स्वरूप और लक्ष्य प्रति साधना काल में जागरूकता बनी रहती है। इसके अंगों के बारे हम चर्चा करें, कहा गया है इसके बिना मंत्र फलवान नहीं होता, फल प्रदान नहीं करता, इन्हीं से मिलकर मंत्र शक्ति सर्वांग पूर्ण बनती है, इसको जानना सभी के लिए आवश्यक है। आप मंत्र चाहे किसी का भी जप रहे हो, अब आज अगर ज्ञान हो जाता है तो उसे उसी अनुरूप हमें मंत्र जप करना चाहिए, जिससे हमें उसकी पूरी शक्ति हमें प्राप्त हो सके। मंत्र विनियोग इसके पांच अंग बताए गए हैं। अब ये पांच अंग कौन कौन से हैं, सबसे पहले हैं ऋषि। अब एक एक के बारे में सार संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा, ये ऋषि होता कौन है। ऋषि कहा गया है अनुसंधान मंत्रों का अन्वेषक, अनुसंधान करता, मार्गदर्शक गुरु है ऋषि, जो मंत्र अर्थात फार्मूला या सूत्र को स्वयं अपने चेतना में अनुभव करता है, फिर अन्यों पर उसका प्रयोग करता है और स्वयं के जीवन को रूपांतरित करता है। अर्थात ऋषि यानी मंत्र साधना से रूपांतरण बदलाव की विधा देने वाला अन्वेषक।
ऐसा व्यक्ति जिसने उक्त विद्या में पारंगतता प्राप्त की हो। शास्त्रों में कहा गया है, ऋषियो मंत्र दशतारा, ऋषि मंत्र का दृष्टा होता है। दूसरा इसमें दिया गया है छंद। छंद क्या है? छंद शब्द में लयबद्धता को कहते हैं। मंत्र को किस क्रम में कैसे और किस तरह से किस शैली में उच्चारित किया जाए, वैसे छंद का अर्थ था लय, अर्थात किस स्वर में किस क्रम से किस उतार चढ़ाव के साथ मंत्रोच्चार किया जाए, यह है छंद। जैसे गायत्री मंत्र है, लोग कहीं पे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार से उच्चारित करते हैं। और कहीं कहीं पे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये संगीतमय जो है, अर्थात छंद है, जो अलग अलग तकनीक से उतार चढ़ाव के साथ मंत्रों का जप किया जाए। मित्रों, इसी का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पे, अस्तित्व पे पड़ता है। नंबर तीसरा दिया गया है देवता। देवता का अर्थ होता है चेतना सागर में अपने अभीष्ट शक्ति प्रवाह का चयन, अर्थात इस ब्रह्मांड में, इस कॉस्मस में अलग अलग क्या है, वेव्स है, अलग अलग ऊर्जा के तरंग है। तभी लोग कहते हैं कि मेरा देवता छोटा और आपका देवता बड़ा। ये छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि ये ऊर्जा के स्तर है। देवता मतलब क्या है? ऊर्जा का प्रवाह। अगर देवता को अगर कोई अगर वर्तमान में साइंटिफिक रूप दिया जाए, इसे वेव कहा जाएगा, ऊर्जा के तरंग कहेंगे हम इसको। तो ये ऊर्जा के तरंग अलग अलग तरंगे हैं, उस तरंग के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसे अलग अलग मंत्रों से, छंदों के द्वारा उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। अलग अलग देवताओं के अलग अलग मंत्र होते हैं। आकाश में एक ही समय में अनेक रेडियो स्टेशन बोलते रहते हैं, परंतु आपके रेडियो में एक ही स्टेशन को आप खींच करते हैं, वैसे ही हमारे आसपास अनेक देवी देवताओं के अलग अलग स्तर हैं। लेकिन हम जिस मंत्र का जप करते हैं, जिस पे ट्यून करते हैं, उसी ट्यूनिंग से उस देवता की शक्ति और ऊर्जा और अनुदान वरदान जीवन में बरसता है। इसलिए देवता का ज्ञान होना, उस ऊर्जा प्रवाह का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। देवता इस तरह से अगर मोबाइल के जमाने में कहा जाए, तो आपकी मोबाइल की कंपनी जो अलग अलग वेव पे सेट होते हैं, अलग अलग नंबरों से डायल किया जाता है, तो उस कंपनी का नाम ही ज्ञात होना और उस फ्रिक्वेंसी का ज्ञात होना जरूरी है। देवता मीन्स आप ऊर्जा का फ्रिक्वेंसी। नंबर नेक्स्ट है बीज है। ये बीज मंत्र क्या होता है? बीज का अर्थ होता है उद्गम। मानवीय कलेवर में विशिष्ट शक्तियों को विभिन्न, जो शक्तियों के लिए विभिन्न स्थान निर्धारित किया गया है और उसके जागरण के लिए जो प्रयोग किया जाता है, वे हमारे बीज मंत्र कहे जाते हैं। बीज मंत्र होते हैं जो एक स्विच बोर्ड की तरह होता है। स्विच दबाने मात्र से बत्ती जलने लगती है, उसी प्रकार मंत्रों मंत्र से देवता की जो शरीर होता है, उस शरीर से हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। बीज जो है, ये सारे बीज जो है मंत्र का कार्य, इसी जानकारी को बीज मंत्र का विज्ञान। यदि हम अलग अलग बीज मंत्र है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ओम राम रेम रूम हैम रोम ह्री, तो ये अलग अलग जो बीजाक्षर है, ये बीजाक्षर के माध्यम से हम उस परमात्म सत्ता को प्राप्त करते हैं। इसे एक सूक्ष्म इंजेक्शन कहा गया है। ऐसा सूक्ष्म इंजेक्शन है कि आवश्यकता अनुसार मंत्रों के साथ इन्हें अतिरिक्त रूप से लगाया जाता है। जैसे गायत्री मंत्र के आगे भी लगाया जाता है ओम ह्रीम श्रीं क्लीं, ओम दीम श्रीं क्लीं, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा। कहने का मतलब, जब किसी मंत्र की पावर को बढ़ाना है, ऊर्जा को बढ़ाना है, तो कितने मात्रा में, कहां और किस प्रकार बढ़ाया जाए, ये गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। तो मित्रों, इस ऊर्जा को, इस बीज मंत्र को किसी भी देवता के मंत्र के साथ यदि लगा दिया जाए और लगाने से उसकी शक्ति को बढ़ाया जाए, एक इंजेक्शन की तरह है। जैसे इंजेक्शन में डॉक्टर एक ही उस दवाइयों के अंदर में अलग अलग इंजेक्शन को लगा करके व्यक्ति को देता है अलग अलग प्रॉब्लम के लिए, उसी प्रकार अलग अलग कारणों के लिए, अलग अलग रोगोपचार के लिए एक ही बीज मंत्र, एक ही मंत्र पे अलग अलग बीजाक्षर का प्रयोग किया जाता है।
पांचवा नंबर जो है तत्व है। तत्व को मंत्र की कुंजी कह सकते हैं, कुंजी मतलब चाबी। दूसरे शब्दों में इसे लक्ष्य भी कहा जाता है। अब आपकी जो आपका जो शरीर है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो शरीर पांच तत्वों से बना है। तत्व समझ रहे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच तत्व हैं। पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो इन तत्वों से हमारी प्रकृति कैसी है और जिस देवता की हम उपासना कर रहे हैं उसकी प्रकृति किस प्रकार की। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्यक्ति पित्त प्रकृति के हैं और गायत्री मंत्र की देवता जो है वो सूर्य है, अग्नि तत्व है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि गायत्री मंत्र के जप के साथ चंद्रायन का जब भी, चंद्र गायत्री का जब भी करना आवश्यक है ताकि आपकी बॉडी के अंदर में ऊर्जा का संतुलन बनी रहे। तो इस प्रकार से इस मंत्रों के बारे में, इस मंत्र के पांचों अंगों के बारे में ज्ञान होना मंत्र साधक साधक के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्र साधना के मूल तत्व, अगर इनका पांचों का ज्ञान हो जाए, ज्ञान होने के पश्चात ही साधना का जो मूल तत्व यदि व्यक्ति को ज्ञान ना हो तो भी उसके लिए साधना में सक्सेस हो पाना, साधना में सफल हो पाना मुश्किल है। कौन कौन सी है? श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहा गया, धैर्य धीरता होनी चाहिए, और गुरु भक्ति, गुरु के प्रति समर्पण का भाव, ये तीन साधना का मूल है। अगर मंत्र साधना में तीन नहीं है तो चाहे व्यक्ति कितना भी अपना होंठ हिलाता रहे, माला घुमाता रहे, तो उसे कुछ फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसके पश्चात मैं चर्चा करने वाला हूं मंत्र योग। मंत्र योग संहिता में मंत्र योग की जो 16 अंग बताए गए हैं वो 16 अंग कौन कौन से, इसके बारे हमें ज्ञान जरूरी है। इसमें सबसे पहले जो दिया गया है वो है भक्ति। भक्ति मतलब है हमारे भज सेवा याम से भक्ति बनता है। भक्ति मतलब होता है समर्पण। समर्पण का होना महत्वपूर्ण है। अगर समर्पण जीवन में नहीं है तो ये मंत्र कारगर नहीं होगा। दूसरा है शुद्धि, शौच, पवित्रता को अध्यात्म की सीढ़ी, प्रथम सीढ़ी कहा गया है। अगर शुद्धता नहीं है तो भी मंत्र कारगर नहीं होता। आसन, स्थिरता, आप एक आसन में कंटिन्यूटी में बैठ के लंबे समय तक आप साधना कर सके तभी मंत्र क्या है आपका कारगर होगा। तो ये हो गया आपका आसन। आसन के पास पंचांग से, पांच से, पंचांग मतलब पांच। पंचांग कौन कौन से हैं? इसमें दिया गया है गीता, सहस्त्रनाम, स्तवन, कवच और हृदयन्यास। ये पांच अंग मिलकर के पंचांग बनता है। गीता, ये गाया जाने वाला जिसे हम लोग गीता कहते हैं। दूसरा है सहस्रनाम, विराटता का अनुभव कराने वाला, और स्तुति जो उसके गुणों का गान किया जाए। कवच कहते हैं साधना से उत्पन्न विघ्नों से बचाने के लिए स्वयं के लिए कवच धारण करना पड़ता है। और हृदय न्यास में हृदय के द्वारा मंत्र का रहस्य में प्रवेश होना। ये पांच अंगों के बारे में व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। नंबर पांचवा है आचार। आचार क्या है? इसमें जीवन में साधना है तो उचित नियमों का तत्परता व दक्षता से पालन ही आचार कहलाते हैं। जो रूल्स रेगुलेशन जो मंत्र साधना के लिए दिया गया है उसका पालन करना ये आचार है। ये तीन प्रकार के आचार का है, वामाचार, दक्षिणाचार और दिव्याचार। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। तो ये आचार हमारे पास है, इन आचार का हमें पालन करना चाहिए, अर्थात साधना के नियमों का पालन करना आवश्यक माना गया है। इसके बाद छठा नंबर धारणा। धारणा के बारे में कहा है चित्त को एकाग्र कर किसी एक चक्र या बिंदु पे स्थिर करने की क्रिया का नाम धारणा है। महर्षि पतंजलि ने कहा है देश बंधस चित्त से धारणा, एक स्थान पे बांधना। सातवां नंबर दिव्य देश सेवन। दिव्य देश सेवन मतलब वह स्थान जहां सर्वव्यापी परमात्मा भी अपना सूक्ष्म रूप छोड़ करके साधक के सामने प्रकट होता है, अर्थात परमात्मा की प्रकट होने वाला स्थल। ऐसे स्थल को हम लोग दिव्य देश कहते हैं। ऐसा स्थल कौन कौन से है? कहता है अंबु, लिंग, कुंड, पट, मंडल, भावयंत्र, पीठ, विग्रह, विभूति, नाभि, हृदय और मूर्धा। इन स्थलों को कहा गया है दिव्य देश। यहां पे ध्यान करना, मंत्र साधना में इस दिव्य देश पे सिद्धिदायक माना जाता है, इन पे धारणा करना, और क्योंकि इसी धारणा करने से यहीं पे इष्ट का प्रकटीकरण संभव होता है। नंबर आठवां है प्राण, प्राण क्रिया। मंत्र साधना में साधना ग्रंथों में प्राणायाम और अन्य क्रियाओं द्वारा अपने शरीर विभिन्न स्थानों पे प्राण एकत्र कर साधना करना ही इसे प्राण साधना कहा गया है।
प्राण साधना की क्रिया में प्राणायाम और दूसरा है न्यास। इन दोनों के माध्यम से प्राण को धारण किया जाता है। तो प्राणायाम की प्रक्रिया संपन्न करनी चाहिए और न्यास की क्रिया करनी चाहिए ताकि शरीर में प्राण का स्थिरीकरण हो सके, जिसमें करण न्यास, हृदय न्यास, अंग न्यास, ऐसे विभिन्न न्यासों के बारे में चर्चा किया गया है। 9 नंबर है मुद्रा। मुद्रा क्या है? जिसे आंतरिक प्रसन्नता और उल्लास व्यक्त हो उसे मुद्रा कहा गया है। मुद्रा के अनेक अर्थ है, ऐसे कहते हैं कि भाव अभिव्यक्ति। मुद्रा जो है आत्मशक्ति की अभिव्यक्ति है, जिससे जीवन की ऊर्जा अभिव्यक्त होता है। वैसे मंत्र में अलग अलग मुद्राओं के बारे में प्रयोग, महाविज्ञान में 24 मुद्राओं का वर्णन है, जिसे दिखा करके हम परमात्मा को, इष्ट को क्या है, आकृष्ट करते हैं। 10 नंबर है, 10वां नंबर है तर्पण। तर्पण मतलब तृप्ति, विशेष पदार्थ द्वारा इष्ट देव को समर्पण तर्पण कहलाता है। मंत्र साधना के बारे में बाद तर्पण अति आवश्यक माना गया है। तर्पण से इष्ट देव और अन्य देवी देवताओं को तृप्ति होती है। यह तर्पण सकाम और निष्काम भेद से दो प्रकार के कहे गए हैं, इसलिए तर्पण की प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए। अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार तर्पण की चर्चा किया गया है, इसके बारे में और भी विस्तार से बाद में हम चर्चा कर सकते हैं। 11 नंबर है हवन। हवन का तात्पर्य होता है अग्नि में हविष्यान आहुति को हवन कहते हैं। अग्नि में जो भी जड़ी बूटी औषधियों से बने हैं भी जो हवन सामग्री जिसे हविष्यान कहते हैं, इसको समर्पित करते हैं। जप के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता और हवन के बिना वह फल नहीं देता, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जप के बिना मंत्र सिद्ध, क्योंकि मंत्र को जपना पड़ता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है, और कहते हवन के बिना वह फल नहीं देता, इसलिए मंत्र जप का दशांश कहा गया है, हवन करना चाहिए। 10वां अंश कम से कम हवन होनी चाहिए और उसका भी दशांश भी तर्पण देना चाहिए। इस प्रकार से मित्रों हवन और तर्पण महत्वपूर्ण है मंत्र साधना साधक के लिए। 12 नंबर है बलि। यहां बलि का अर्थ अन्य अर्थों में ना ले, देवताओं के लिए द्रव्य का समर्पण बलिदान कहलाता है। श्रद्धा भाव से जो भी समर्पित किया जाता है, इसमें विघ्नों की शांति होती है और साधक निरापद होकर के साधना साध्य सिद्धि को प्राप्त करता है। अर्थात द्रव्य का समर्पण वो बलि है। वैसे बलि के रूप में अपने दुर्गुणों को भी इष्ट के चरणों में समर्पित कर देना, इसको भी बलि के रूप में कहा गया है। 3 प्रकार के हैं, आत्मबलि, अंतरबलि और बाह्य बलि। आत्मबलि मतलब अहंकार का त्याग है, अपने दुर्गुणों का त्याग है। अंतरबलि मतलब काम क्रोध और इंद्रिय निग्रह है। और बाह्य बलि कहा गया है फल आदि का बलि, फल कुछ चढ़ाया उसको काट दिया परमात्मा के सामने, इष्ट के सामने में, वो बलि है। उसको अन्य अर्थ में जो बलिदान के रूप में लोग प्रयोग करते हैं, जीव जंतुओं को मारते हैं, ये बलि नहीं है, उसके अर्थ उन्होंने गलत समझा है। नंबर 13 नंबर है याग। इष्ट देव के पूजन को याग कहते हैं। बड़ी श्रद्धा से भक्ति से परमात्मा का जप करना चाहिए। पुष्प माला हार जो भी आप पहनाते हैं ये याग है। ये दो प्रकार थे, अंतर याग और बहिर्याग। एक अंदर में विद्यमान जो परमात्मा है उसमें उसका भी आप क्या करते हैं, उस पर भी अर्पण करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं, और एक बाहर जो इष्ट है प्रत्यक्ष रूप में आप मूर्ति के रूप में अन्य रूप में रखे हैं उसका भी पूजन वर्धन करते हैं, ये बहिर्याग है। नंबर 14 नंबर जो है जप है। जप का अर्थ होता है मंत्र की बार बार आवृत्ति करने को जप कहते हैं। इस जप से मंत्रोच्चार से कहे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए ये मंत्र हमें जप करना चाहिए। ये 3 प्रकार के वाचिक, उपांशुक और मानसिक है, जिसे अलग अलग रूप में लोग अलग अलग रूप में जप करते हैं। नंबर 15 नंबर है ध्यान। मंत्र के द्वारा इष्ट देवता के स्वरूप को जानना ध्यान कहलाता है। ध्यानम इष्ट स्वरूपम वेदनम मनसा खलु। मन मंत्र एवं देवता की पृथक पृथक अनुभूति होती है। ध्यान के प्रभाव द्वारा इन तीनों में एकात्मता का बोध होता है, मन मंत्र एवं देवता, क्योंकि मन का लय होना आवश्यक है। ध्यान में मन जो है लय होता है मंत्र के साथ इष्ट में, इसलिए ध्यान की आवश्यकता है। और अंतिम है 16 नंबर, 16 नंबर ही है ये, है कहते हैं इसे समाधि।
इष्ट के रूप का ध्यान करते करते अपने आप को भूल जाने की स्थिति ही समाधि है। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमेव समाधि, ऐसा महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग सूत्र में कहा गया है। इष्ट में समाहित हो जाना, लय हो जाना, एकाकार हो जाना, इसी को समाधि कहा गया है। इस प्रकार अंतिम परिणति समाधि है मंत्र योग साधना की। मंत्र योग संहिता में जो मंत्र 16 अंग दिए हैं, इसके बारे हमने आपके सामने चर्चा किया है। अब इसके बाद हम लोग जो चर्चा करने वाले, ये महत्वपूर्ण है, मंत्र योग की वैज्ञानिकता पे। मंत्र योग किस प्रकार अपना प्रभाव दिखाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रणव परमात्मा का एक दिव्य स्वरूप है। इस ओम का उच्चारण करना यह हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे परमात्मा का स्वरूप, पूरी शक्ति इसी अ उ और म तीनों अक्षर में समाहित है। यदि आप जप करते हैं इसका रेशियो 1, 2 और 3 का रेशियो होता है अ उ और म। मित्रों, ये हमारी ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर ले जाती है। उल्टी गंगा है, यहाँ पे गंगा उल्टी बहती है, नीचे से ऊपर की ओर मेरु आपको मेरुदंड में सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित होती है। और इसी के लिए अगर आपको अगर मंत्र जप करना हो तो इसमें अ उ और म के अलग अलग वैज्ञानिकता है, इसकी साधना पद्धति है, जिसके विस्तार से चर्चा हम किसी और वीडियो में पर्टिकुलर इस मंत्र साधना जो आपके ओम उच्चारण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज इसके वैज्ञानिक कुछ पक्ष है मंत्र का, उस पर चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, सामान्य क्रम में आप इस प्रकार से हम लोग इसका उच्चारण कंटिन्यूटी बार बार करते रहें तो हमारी ऊर्जा मूलाधार से लेकर के स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा और सहस्रार चक्र में जाकर के समाहित हो जाती है। इस प्रकार से अ उ मा का क्रम से हम लोग जप कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है मंत्रियों की वैज्ञानिकता के क्रम में जो मंत्र है और मंत्र की स्पंदन शक्ति है। मंत्र की स्पंदन शक्ति जैसे गायत्री मंत्र जपते हैं, गायत्री की 24 जो अक्षर है वे शरीर के अलग अलग 24 शक्ति केंद्रों क्या है प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, वो वैसे ही जैसे कि टाइपराइटर में आप टाइप करते हैं, बटन कहीं और दबता है, कहीं पे और क्या लिखा जाता है, वैसे मित्रों भले आप जीप से मुख से उच्चारित करते हैं लेकिन उसका प्रभाव हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पे, अलग अलग देव स्थानों पे, दिव्य स्थानों पे, देह स्थानों पे इसका प्रभाव पड़ता है। और हमारे शरीर के अलग अलग नस नाड़ियां गुच्छिका हमारे मंत्र की शक्ति द्वारा क्या है वो जागृत हो जाती है। शरीर में चैतन्यता का संचार होता है, स्पंदन होने लग जाती है, ये टाइपराइटर की तरह है। तो इसलिए मंत्रों का मन ही मन उच्चारण करने से शरीर में समय भी क्या स्पंदन नस नाड़ियों के माध्यम से हो जाती है। नेक्स्ट क्रम में यदि देखते हैं तो क्रमबद्ध लयबद्ध वृत्ति गति से, वृत्त गति का नियम जिसे डायनोमा का नियम कहा गया है। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा गया है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या, इसकी क्या उपयोगिता इसमें दी गई है, इसके बारे में अगर चर्चा करें। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं किसी ग्रह नक्षत्रों के अपने अक्ष पे घूमते रहने से जो वहां भी गति साउंड और ऊर्जा उत्पन्न होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अर्थात ब्रह्मांड में एक ध्वनि गति हो रही जिसे रोर कहते हैं, ये रोर और हम उसी को ब्रह्मांड में कहते हैं ओम कहते हैं। एक गुंजन हो रही है किसकी वजह से, केवल कंटिन्यूटी में भ्रमण करने से। मित्रों, मंत्र में भी ऐसा होता है, मंत्र को आप ओम भूर्भुवः शतः चतुर्वर्ण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऐसे बार बार उच्चारित करते हैं। कोई भी बीज मंत्र है, कोई भी देव मंत्र है, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, जो अगर गम गणपतये नमः की बार बार रिपीट करते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है और आपके अंदर में ऊर्जा उत्पन्न करता है। गोफन की शक्ति आपको पता होगा, एक रस्सी में एक पत्थर रख करके किसान गोल घुमाता है, घुमाने के बाद दूर तक फेंक देता है। मित्रों, सामान्य पत्थर को भी फेंका जाए और गुम्फन में एक गोल पत्थर लगा कर फेंका जाए तो दंदन करते जहां लक्ष्य पे जाता है उसे क्या है वो चकनाचूर कर देता है। कहने के मतलब इतनी ताकत होती है। सैनिकों का कदम ताल आपको पता होगा, सैनिक अगर किसी पुल पे एक साथ कदम ताल करें तो पुल भी टूट सकता है। इसलिए मित्रों, पुल पर सैनिकों को कदम ताल करने के लिए रोका जाता है।
मतलब एक रूपता का कंटिन्यूटी का अगर एक साथ समूह में अगर मंत्र जप किया जाए उसका प्रभाव कुछ और होता है। गार्डर पे लटकता हुआ अगर लोहा अगर आप छत के किसी एक जगह बांध करके एक लोहे को टन टन करके अगर बार बार बांधते रहे वहां पे एक लय होगी तो धीरे धीरे वो पूरे पूरे आपकी छत को नीचे गिरा सकता है। यही वृत्त का गति का लोग डायनोमा, जैसे आप फिगर में चित्र में देख पा रहे हैं जो साइकिल में पहले एक आप लाइट जलाने के लिए डायनोमा लगाएगा तो इसमें भी गति घूमने से क्या एक प्रकाश लाइट उत्पन्न होती है। मित्रों आपको बता दूं मंत्र की अंतिम परिणति प्रकाश में होती है, तभी मंत्र साधक को जब साधना में सिद्धि मिलती तो शरीर में ऐसा लगता है जैसा शरीर में प्रकाश झर रहा हो। सूर्य चंद्र और ग्रह नक्षत्रों की बहुत सारी ऊर्जा शरीर के अंदर में समाहित हो और वो ऊर्जा व्यक्ति के अंदर में प्रवाहित हो रही है, ऐसा अनुभव होने लगता है मंत्र साधक का, क्योंकि मंत्र की अंतिम परिणति ये है आपकी प्रकाश है, प्रकाश के रूप में वो परिणत होता है। मंत्रों की अनेकता के अगले क्रम में इसमें देखिए तो चुंबकीय शक्ति है। अगर मंत्र को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार उच्चारित करते हैं, कहता है जिसे आप बार बार रिपीट करते हैं वो अट्रैक्ट होता है आपके अंदर में। आप जिस अक्षर से जिस शब्दों को बार बार उच्चारित करते हैं वो ब्रह्मांड में जाता है, ब्रह्मांड से अपने सजाती तत्वों को लेकर के आपके पास आता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यदि आप कहीं पे यात्रा शुरू करते हैं कि स्थान से अगर गोलाई पे कहीं यात्रा करना हो और मित्रों आपको मालूम है कि ब्रह्मांड पूरा गोल है, अब तो जहां से यात्रा करेंगे वहां से घूमकर आप वहीं पे आ जाते हैं। इसका मतलब है कहीं बैठकर के मंत्र साधना कर रहे थे, मंत्र की शक्ति पूरी ब्रह्मांड पे जाता है, जाकर के वहां पे सन्नि जितने भी उससे सजाती तत्व है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं कि परमात्मा हमें सद्बुद्धि प्रदान करना, सद्बुद्धि कामना युगों युगों तक कितने ऋषि संत महात्माओं ने किया होगा, उनकी सारी शक्ति आपको धीरे धीरे वो जाकर के, इसके लिए घंटों नहीं लगता मित्रों, सेकंडों में मिनटों में जाकर ब्रह्मांड से इतनी जो मंत्र है वो चक्र लगा करके आपके साथ आ जाता है आपके पास, और आता वहीं पे जो साधक मंत्र जप करता है उन्हीं के ऊपर आकर उसको डाल दिया जाता है। यह सजातीयता, जब विभिन्न प्रकार के जो अणु होते हैं, अगर चट्टान जो बनता है हीरे मूंगे मोती का, वो बनता कैसा है, वो एक होते हैं अपने तत्वों को अपने साथ ले लेता है और अपना बहुत सारा विशाल एक भंडार बना लेता है। वैसे ही साधक मंत्र का बार बार जप करके ब्रह्मांड में सन्निहित वैसे ही गुणों को अपने अंदर आत्मसात करता है। तभी देखे होंगे अगर व्यक्ति अच्छा सोचता है तो अच्छे अच्छे विचार आते हैं, थोड़ा सा बुरा सोचने लग जाइए तो बहुत सारे बुराई के विचार लगते हैं, लोग दूसरे की चारी चुगली या अन्य प्रकार निंदा करते हो तो निंदा की बहुत सारी बातें आ जाती हैं। इसका मतलब यह है आप जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही विचार ब्रह्मांड से आपके मस्तिष्क में आता है और पड़ोसी पे नहीं आएगा, केवल वो आपके मस्तिष्क पे आकर आपको समर्पित तेरा तुझको अर्पण करता है। जैसा आप सोचते हैं आप वैसे बनते हैं। तो कहने का मतलब ये विचार है, चुंबकीय शक्ति है मंत्र के द्वारा ब्रह्मांड की शक्तियों को, ब्रह्मांड के सजातीय शक्तियों को आत्मसात किया जा सकता है। अगले क्रम में देखें वैज्ञानिक का क्रम है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर वो है जो आप जो मंत्र जप करते हैं तो आपके अंदर जो विद्युत शक्ति होती है, जो पावर होती है मैग्नेटिक पावर होती है, वो आपके अंदर शक्ति और सामर्थ्य उत्पन्न करता है। निष्ठ जगह घार्षणिक एवं धारावाहिक विद्युत प्रवाह, मैं तो घार्षणिक मतलब होता है शरीर के अंदर बहुत सारे अंग अवयव है, इसके आपस के घर्षण से बहुत सारे विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न होती है। दूसरा धारावाहिक प्रवाह मतलब हमारे शरीर के अंदर में एक इलेक्ट्रिक पावर प्रवाहित होती है, ऊर्जा शक्ति प्रवाहित होती होती है। तो ये जो दोनों ही प्रवाह है, एक घार्षणिक जो अंगों के घर्षण से उत्पन्न होती है, एक घार्षणिक पावर आपने वैसे देख लो जब आप कपड़े जब कहीं से जाकर घर में उतारते हैं तो जैसे उतारते हैं वैसे ही देख लें आप एक करंट आपके, अगर अंधेरे में आप कपड़ा खोले तो वहां पे एक लाइट चचराहट के होते हुए चमकता हुआ एक लाइट दिखाई पड़ता है बॉडी में, ये घर्षण से उत्पन्न विद्युत धारा है। ये धारावाही जो प्रवाह हमारे अंदर में अल्फा बीटा जो अलग अलग धारा प्रवाह हो रही है गामा, तो ये दोनों प्रकार के एक शरीर के घर्षण से उत्पन्न विद्युत और दूसरा हमारे अल्फा बीटा गामा जो रेस होती है उसके दोनों के प्रवाह मिलकर के मंत्र करता है, दोनों के प्रवाह को क्या करता है संयुक्त करता है, योग कराता है, दोनों में क्या है एक संतुलन स्थापित करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाता है।
घर्षणिक विद्युत को और धारावाहिक विद्युत को दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता मंत्र योग द्वारा होता है और व्यक्ति की व्यक्तित्व सुगढ़ बनता हुआ चला जाता है, श्रेष्ठ बनता हुआ चला जाता है। इस प्रकार मित्रों हम मंत्र के द्वारा अपने व्यक्तित्व को बदलते हैं, श्रेष्ठ मंत्र होते हैं। मंत्र जो है सार है, मैंने पहले चर्चा किया था, ये इष्ट देव के द्वारा प्राप्त होता है। ऋषियों के जो जीवन साधना का सार है, निष्कर्ष है, ये मंत्र योग है। इसी क्रम में हमने मंत्र साधना के लिए एक ग्रंथ की रचना की है जिसे मंत्र महाविज्ञान कहते हैं। हमारा शोध ग्रंथ है, रिसर्च ग्रंथ है, जिसे अथक प्रयास से हमने प्रयास किया है इसे। तो मित्रों अगर इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको हस्तगत करनी है मंत्र साधना के बारे में, तो पूरे के पूरे ये लगभग 300 पेजों में ग्रंथ 300 पेज का ग्रंथ के रूप में आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। इसे आप मंगा सकते हैं पुस्तक महल दिल्ली से। इसका जो विस्तृत जो चर्चा है, आपको इसका जो पूरा एड्रेस हमारे प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देख पाएंगे आप, वहां पे इसका लिंक है। आप लिंक के द्वारा वहां पे जाकर के वहां से आप मंगा सकते हैं। इसमें विस्तार से तो कम समय पूरे बता पाना मुश्किल है। इसके कुछ प्रयोग, वैज्ञानिक प्रयोग, इसकी साधना, इसकी पुरुषचरण की विधि व्यवस्था, सारे के सारे हमने इस पे जो हमारे मंत्र महाविज्ञान है, इस मंत्र महाविज्ञान में हमने दे दिया है। अगर इच्छुक साधक है तो आप इसे मंगाकर पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और इसमें आगे पढ़ सकते। शोध रिसर्च के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है और जो जिज्ञासु है उनके लिए तो ये मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसी के साथ साथ आज की हम इतना ही बात रखते हैं। यदि किसी प्रकार के आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। किसी भी प्रकार का प्रश्न है उसे आप ना रहने दे जाए, कैसे ही प्रश्न हो, मंत्रों के बारे में कुछ और जानना चाहते हो या कुछ और चाहते हैं कि हमारे लिए और कुछ ऐसा वीडियो बना दिया जाए जिसे हमें और ज्ञानवर्धक हो, तो मित्रों अवश्य हम आपके लिए ऐसे कुछ और, जैसे मैंने कहा था कि ओम के विषय पे, ओम के मंत्रोच्चार की तकनीक के विषय में मैं अलग से एक वीडियो आपको दूंगा मैं, तो वे भी आपके सामने कुछ दिनों में सामने आ जाएगा कि मंत्र ओम उच्चारण का अ उ और म का कैसे मंत्र जप करें कि अलग अलग रोगों में उसका अलग अलग प्रयोग किया जाए। अलग अलग मंत्रों का अलग अलग रोग वाइज हम और चर्चा करेंगे क्योंकि आज उतना सारा चर्चा कर पाना मुश्किल है। इसलिए साथियों आज इतना ही है, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।